हे हेलो एवरीबॉडी, मैं अरविंद सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हम सबके यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल अवी। गाइज, अभी आप देख पा रहे हैं बैनमो में लाइव अकाउंट से मैं लॉगिन हूं। रियल अकाउंट में आप बैलेंस देख पा रहे हैं 5,32,401 रुपए। और जी हाँ, बिल्कुल आपने अमाउंट भी देख ली होगी, 50,000 रुपए की अमाउंट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट की हुई है। बिल्कुल यार, जो थंबनेल है उसको जस्टिफाई आप लोगों के लिए करूंगा और बहुत ही जल्दी करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा स्ट्रेटजी वाले सेक्शन पे और बता देता हूं कौन सी स्ट्रेटजी अभी मैंने अप्लाई की हुई है। तो भाई, मैंने अभी मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी अप्लाई की हुई है। सिंपल, मैंने टाइम पीरियड रखा हुआ है 6:14:26। ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में मैं ये स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, चाहे वो आईक्यू की हो, चाहे ओलिम की हो, चाहे वो बैनमो की हो। ठीक है, तो आज इसी स्ट्रेटजी के साथ हम लेने वाले हैं ट्रेड, और हम ट्रेड लेंगे क्रिप्टो IDX पे जो 83% रिटर्न हमें दे रहा है। ठीक है, 50,000 रुपए की ट्रेड होगी और टाइम क्या होगा वो अभी डिसाइड करेंगे, लेकिन ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली स्टार्ट करता हूं मैं ट्रेड और जल्दी से ट्रेड लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं ट्रेड हम विन करते हैं या लॉस। सो गाइस, सबसे पहले ट्रेड लगा लेते हैं, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो यहां पे अभी मार्केट को देखते हुए है, लगता है कि कुछ फ्लक्चुएशंस हैं, कुछ ज्यादा प्रेडिक्शंस पॉसिबल नहीं है, बट विल गो। हम जाते हैं, हम थोड़ा सा टाइम जो है उसको एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि एक मिनट की ट्रेड लेना यहां पे अभी फिलहाल सेफ नहीं है। तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले रहा हूं, हमारी अमाउंट है 50,000 रुपीज और अपवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है। हमारा टाइमिंग जो है 308 पे लॉक कर दिया है, मतलब एक्सपायरी टाइम। सो गाइस, अभी बात करते हैं डिस्क्लेमर की। वीडियो एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स आप अपने लाइव अकाउंट से लो अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल नहीं हो, क्योंकि यहां पे आपको लॉसेस फेस करने पड़ जाते हैं। अगर आप उन लॉसेस को उठाने के लिए कैपेबल हो, अगर आपको लगता है आप उनको बर्डन कर सकते हो, तो ही आप इतनी बड़ी ट्रेड्स लो, लेकिन मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल के 1% का डेली टारगेट रखो। अगर आपका कैपिटल है $100 का, तो 1% प्रॉफिट का अगर आप टारगेट रखते हो $1 का, उसके हिसाब से आपका एक महीने का प्रॉफिट होता है $30, उसके हिसाब से जाओ। क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेड्स अगर आप लेने जाओगे तो काफी लॉस हो सकता है, अगर प्रॉफिट होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉस भी आपको काफी ज्यादा हो सकता है। इसलिए वीडियो देखो, एंजॉय करो। एक चीज और भाई, लाइक कर देना वीडियो को, इतनी डेयरिंग है भाई की, तो लाइक कर देना। एक और चीज तो कमेंट करके ये बताओ कि क्या लगता है आपको, ये जो ट्रेड है हम विन करने वाले हैं या लॉस करने वाले हैं। जरूर आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और देखते हैं आपकी प्रिडिक्शन किस लेवल तक की है। तो यहां पे अभी मुझे लगता है कि ये ट्रेड हम लॉस करने वाले हैं, बट अकॉर्डिंग टू यू आप भी देखो और अपने हिसाब से जज करो कि क्या लगता है आप लोगों को, और कमेंट करके बताओ। देखते हैं मेजोरिटी क्या बोलती है इस ट्रेड के बारे में, और पता लगेगा आपको अपनी स्किल्स का कि किस लेवल पे अभी हम स्टैंड कर रहे हैं और कितनी एजुकेशन की हमें जरूरत है। तो यहां पे आप देखेंगे, यहां पे 50,000 की जो ट्रेड है मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई थी, और हालांकि कुछ अच्छे रिजल्ट्स यहां पे नहीं मिल रहे हैं, तो अभी मैं काम करने वाला हूं 65,000 करने वाला हूं इसे। अगर हम ये ट्रेड लॉस करते हैं तो हम एक मिनट की ट्रेड फिर 65,000 की भी लेंगे, यानी कि लॉस तो बर्डन नहीं करेंगे एटलीस्ट, क्योंकि अगर 65 की लेते हैं तो हमारी इनकम हो जाएगी 118, और इसमें से अगर 50 माइनस कर देंगे तो भी हम कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इसमें हम 65 से ज्यादा ट्रेड ले सकते हैं, बट आई डोंट नो, लेट्स सी कि चेक करते हैं। अगर मैं यहां पे 1,00,000 सेलेक्ट करता हूं, इट्स पॉसिबल और नॉट। तो अभी मैंने 1,00,000 का अमाउंट जो है वो सेलेक्ट कर दिया है, लेकिन पॉसिबल नहीं है जैसा कि मुझे पता था पहले ही। बैनमो में आप 65,000 से ज्यादा अमाउंट की ट्रेड नहीं प्लेस कर सकते हो, एज आई नो, बट फिर भी लेट्स से मैंने सोचा चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग अपग्रेड करते रहते अपने सिस्टम्स को। और अगर अभी ट्रेड को देखेंगे ना भाई, बहुत ही ज्यादा क्लोज चल रही है। हालांकि लास्ट मोमेंट पे अभी देखेंगे आप, थोड़ा हमारी प्रेडिक्शन के अगेंस्ट ही है, बट लेट्स सी, हमारे पास बहुत ही कम सेकंड्स हैं, लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन विद दिस ट्रेड। तो अभी फिलहाल भी आपको जैसा कि पता है, लास्ट मोमेंट तक हम कुछ कह नहीं सकते किसी एक ट्रेड के बारे में, क्योंकि जब भी हम एक ट्रेड प्लेस करते हैं उसके लास्ट मोमेंट तक कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते लास्ट मोमेंट तक कि ये ट्रेड हम विन करेंगे या लॉस करेंगे, जैसा कि आपको पता है। देखिए अभी फिलहाल लास्ट सेकंड बचा है, अभी हमारे पास लास्ट 16 सेकंड बचे हैं, और कभी ये ट्रेड पॉजिटिव जा रही है, कभी नेगेटिव जा रही है। और मुझे पता है काफी सारे लोगों को दिलचस्पी भी हो रही होगी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 9 सेकंड्स, बट लेट्स सी, मुझे लगता है लॉस करने वाले हैं, बट लेट्स सी, क्योंकि इतनी भी अच्छी अपनी किस्मत नहीं होती। तो लास्ट 3 सेकंड 2 सेकंड एंड वी जस्ट लॉस दिस ट्रेड। हम जो ट्रेड लॉस किए हैं बहुत ज्यादा माइनस सेकंड्स की वजह से ये ट्रेड लॉस किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 1 मिनट के लिए ट्रेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करेंगे। और यहां पर मैंने 65,000 की एक ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, और सेम मैंने एक और ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी है 65,000 की, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हुई या नहीं हुई, आई डोंट नो, ओके, सो माइट भी नहीं हुई है।
ओके लेट्स सी, तो एक और मैंने ट्रेड अभी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, तो अभी हमारे पास दो ट्रेड प्लेस्ड हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक चेक इन चेक कर लेते हैं यार, दो है या तीन है। ओके तो अभी हमारे पास एक डेढ़ मिनट के डिफरेंस पे दो तीन मैंने ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस कर दी है, एंड लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट। रिजल्ट क्या होगा अभी देख लेंगे, आपको ही पता लग जाएगा, मुझे भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारी एक्सपेक्टेड इनकम दिखा रही है 356,000, मतलब भाई तीन ही ट्रेड प्लेस हुए हैं। और भाई मैंने ये तीन ट्रेड इसलिए लगाई क्योंकि लास्ट ट्रेड पे हम लॉस कर गए थे, और आपको भी पता है यार लॉस नहीं बर्डन कर सकते, ठीक है। एक ट्रेड 50,000 का लॉस किया था तो कम से कम 200,000 का प्रॉफिट भी करेंगे तभी मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है अभी हम 356,000 जीत गए, ठीक है। तो भाई लाइक कर देना यार इतने डेयरिंग हुए भाई को, क्योंकि इतने सारी अमाउंट की जो ट्रेड ली आप लोगों के सामने दिखाने के लिए, सिर्फ शेयर करने के लिए, और मुझे लगता है पसंद जरूर आई होगी वीडियो, और ज्यादा लंबी भी नहीं खींची मैंने वीडियो को, क्योंकि आपको पता है यार ज्यादा लंबा खींचना मुझे पसंद नहीं है वीडियो को, ठीक है। तो इसी वजह से भाई अभी यार एक काम करो, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ, नहीं ज्वाइन हुए हो तो। थैंक यू सो मच यार फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।